राम राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं कलकत्ता में ही गाड़ी खाली करके खड़ा था 5-6 दिन से। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था और मुझे तबीयत भी खराब हो गया था, मुंह में इन्फेक्शन हो गया था, पूरा घाव ये सब हो गया था। इसके वजह से मैं बोलने में भी मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा था, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था और गाड़ी भी लोड नहीं हो रही थी। 5-6 दिन यहीं पर रह गए थे। तो आज मेरी गाड़ी कलकत्ता में, मैं इस समय खिदिरपुर में हूँ। अब मेरी गाड़ी दिल्ली का लोड हो गया है और यहीं पे अभी खड़े हैं। नो एंट्री यहाँ से 11 बजे रात को खुलेगा, तो फिर अपना कंटिन्यू सफर स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली के लिए। देखिए दोस्तों, पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं यहाँ पर कलकत्ता के अंदर। ये बड़ा ही जहाज है, इसमें कंटेनर लोड होके आते हैं माल बाहर से, विदेश से। और समय भी अपना हो गया है 11, सिटी में लग रहा है जाम। राम दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन है और हम कलकत्ता से गाड़ी भर के निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं। इस समय हम कलकत्ता से 60 किलोमीटर आगे टूलटेक्स आने वाला है बीमारी का, और रात में यहीं पर रुक गए थे। तबीयत अचानक से फिर मेरे को फीवर हो गया, बुखार हो गया, तबीयत फिर गड़बड़ होने लगा। अभी बोलने में भी तकलीफ हो रहा, मुंह में जो घाव हुआ था फिर से होने लगा है और खा भी नहीं सक रहे कुछ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और यहीं पर रात में आके रुक गए थे। ये सामने देखिए आपको पेट्रोल पंप वहाँ पर है, गाड़ियाँ लगी है। दोस्तों समय 8 बज गया है और हम पहुँच चुके हैं मेमारी टूलटेक्स पे, और चलते चलते ये नारियल पानी का दुकान मिल गया, तो हमने चलो नारियल पानी पी लिया, क्योंकि कुछ खाने सक नहीं रहे, तकलीफ मुँह में ज़्यादा है, बोलने में भी। ये देखिए अपनी गाड़ी खड़ी है और ये भैया का दुकान है। कितना बजे खोल देते भैया? 9 बजे इनका दुकान खुल जाता है, चलिए यही पिया जाए। नारियल पानी दोस्तों पी लिए, अब यहाँ से चलते हैं बर्दवान। यहाँ से 30 किलोमीटर इतना ही है, चलते बर्दवान पार करते हैं और उसके बाद कहीं पर अगर दवा का दुकान मिलेगा तो दवा लेंगे, क्योंकि ऐसे काम चलने वाला नहीं है, तबीयत बार बार खराब हो जा रहा है। तो सुबह सुबह चाय और कुछ गर्म चीज़ खा नहीं पा रहे हैं, तो हम बोले नारियल पानी सबसे बढ़िया है, तो यही पी लिए। भैया का दुकान भी है यहाँ, मतलब हाईवे के किनारे लगाते हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं बर्दवान पार करते हैं। दोस्तों बर्दवान पहुंच गए हैं, पर लग गया है जाम। ये देखिए जाम चल रहा है, एक तरफ रोड क्लियर है और एक तरफ जाम चल रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं भैया, ये तो रोड का काम है, कभी जाम कभी खुला कभी जाम, चलते हैं देखते हैं जाम कब तक खुलता है। अब समय भी अभी 9 बजने वाले हैं, तो जाम खुल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी भी है। ठीक है दोस्तों, अब कल तो कलकत्ता में बारिश हुआ था, उसी का देन है कि आज बर्दवान में ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, और थोड़ा कम गर्मी पड़े, जाम से जल्दी निकले, यही ऊपर वाले से कामना है। चलिए ठीक है, लाइन भी धीरे धीरे देखिए बढ़ रहा है। दिन के 12 बज गए हैं दोस्तों और हम पहुंच चुके हैं दुर्गापुर में। तो देखिए अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ रोड पर, चाचा का दुकान है, तो कुछ खा तो पा नहीं रहे हैं, तो सत्तू इनके पास था, हमने चलो सत्तू बनाइए, सत्तू एक गिलास पी लेते हैं। अभी यहाँ से बंगाल का अपना सफ़र और 60 किलोमीटर है, 50 से 60 किलोमीटर पे झारखंड आ जाएगा, और वहीं पर चल के देखेंगे कुछ दवा मिल जाएगा तो लेंगे, क्योंकि बोलने में भी बड़ा तकलीफ हो रहा है, अब मुंह में ही पूरा छाला टाइप का हो गया है, इसके वजह से अब कल भी नहीं खाए थे हम, और कल रात में भी नहीं खाए, और आज देखिए अब कैसे कैसे सत्तू पी लेंगे। सत्तू पीते हैं यहाँ से, फिर अपना कंटिन्यू सफर रखते हैं, पता है दिल्ली से कलकत्ता का जर्नी चल रहा है। दोस्तों गाड़ी GST वाले ने पकड़ लिया, मतलब सेल टैक्स वाले, पता नहीं क्या उनका लफड़ा है माल। ये सामने चल रही है गाड़ी GST वाली, चलिए देखते हैं ऑफिस ले जा रहे हैं क्या करते हैं, देखते हैं। दोस्तों शाम के 5:30 बज गए हैं और हम नहा के भी तैयार हो गए हैं, मतलब अब ये GST में हमारी गाड़ी बंद हो गई, आपको तो पता है GST वाले ने, ये देखिए यहाँ पर सारी गाड़ियां बंद है, वो GST का ऑफिस है,
अब यहाँ पर वीडियो भी नहीं बाहर में बना सकते, जीएसटी वाले बोले नहीं वीडियो नहीं बाहर में बना सकते, गाड़ी में ही बना रहे। और आपको एक चीज और दिखाना चाहते हैं, ये देखिए ये टेलर देख रहे हैं, इस पे ये लोड है, घास वास जम गया सब। ये कह तकरीबन मतलब बोल रहे हैं 7 साल से ये गाड़ी खड़ी है, कोई प्रॉब्लम होगा कागज में या कुछ भी। अब देखिए अपनी गाड़ी तो आज तो छूटने के मुश्किल ही है चांस, तो पार्टी वाले से भी बात हो रहा है तो बोला कि कल आएंगे, पार्टी वाला बोल रहा कल आएंगे तो देखते हैं। तो अपना कोई इसमें यह है नहीं, उनका माल का कागज का पेपर का कोई लफड़ा होगा, वो देखेंगे चेक करेंगे माल, उसके बाद यहाँ से छोड़ देंगे। अब इतने दिन खड़े थे उसके बाद भी खड़े हो गए हैं, यही थोड़ा सा खराब लग रहा है। अब तकलीफ अपने मुंह का, अभी जा रहे शाम को, शाम हो गया है, मार्केट इधर ही है बगल में, देखते कुछ दवा ववा मिलेगा तो लेके आएंगे। और हल्का फुल्का आज सोच रहे हैं खिचड़ी बनाने का, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो 2 दिन हो गए हैं, भूख तो पेट में लगा है पर मुंह से खाया नहीं जा रहा और इतना बोला भी नहीं जा रहा, इसलिए तो चलिए ठीक है चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या मिलता नहीं मिलता। दोस्तों रात के 9 बज गए हैं और हम आ चुके हैं होटल में खाना खाने, क्योंकि खाना बनाने वाले थे आपको तो बोल रहे थे, और मार्केट बहुत दूर था इसलिए हम बोले नहीं चलो अब रात हो गया है तो वैसे भी खा पाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत देखते हैं कोशिश करके कितना खाते हैं। तो खाने के लिए होटल में आ गए हैं, खा के फिर यहाँ से गाड़ी पे चलते हैं। तो दिक्कत तो है फिर भी खा के देखते हैं, खाना तो पड़ेगा, नहीं खाने से चलता नहीं काम। खाना खा लिए और अपनी गाड़ी में भी हम आ गए हैं, किसी तरह 2 रोटी खा पाए हैं, बहुत तकलीफ हो जाता है, ये इस तरफ और इस तरफ हो रखा है। अब चलिए दोस्तों अब तो कुछ है नहीं, खा लिए चल के सोते हैं, अब कल ही कुछ फैसला होगा छूटेगी गाड़ी क्या होगा, अब कल के ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। और इस ब्लॉग को यहीं पर बाय कहने का समय आ गया है, चलिए ठीक है दोस्तों।